जय हिंद दोस्तों। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं दोस्तों सम एंड सम इफ की। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको हर बार की तरह एक्सेल को ओपन करना है दोस्तों, और फर्स्ट सेल में आपको लिखना है सम एंड सम इफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है आइटम का नाम, यहाँ पे लिखना है हमें मंथ्स नेम, और इसको आपको करना है दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, अब हम ऊपर वाले इनको सेलेक्ट करके इनको मर्ज सेल करेंगे और यहाँ से इनका फॉन्ट चेंज करेंगे दोस्तों। फॉन्ट चेंज करने के बाद आप इसका यहाँ से साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा बस इतना, आप इनका भी साइज बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम इनको ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम यानी कि आइटम्स का नाम। यहाँ पे मैंने लिखा कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, 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 माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम डेटा इसमें टाइप करेंगे कि जनवरी में कीबोर्ड का कितना था, फेब में कितना था। ठीक है दोस्तों, ये रहा। हमें इन सभी महीनों का डेटा इसमें ऐड करना है। ऊपर एक छूट गया दोस्तों, ऐसे ही हमें अपना डेटा फिल कर लेना है दोस्तों, जो भी हमारा है। ठीक है, अभी हमें करना है नवंबर का भी और फिर दिसंबर का भी करना, इसलिए जो भी डेटा है आपका, कुछ भी हो सकता है डेटा। ठीक है दोस्तों, हर बार की तरह हम आज भी एक नई शीट लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे आपको करना है टोटल, लेकिन आपको टोटल इसको मर्ज अब दोबारा से मर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। ठीक, इनका थोड़ा साइज और बढ़ा ले रहे हैं दोस्तों,
यहाँ से अगर हम इनका फॉन्ट भी चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा इनको खुला खुला एक साथ करना है, तो दोस्तों आप एक साथ ऐसे कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे और इतना, ठीक है, एक साथ अगर आपको करना हो तो, ठीक है, ये रहा, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब यहाँ पे अगर इनमें भी एक साथ करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, हो गया दोस्तों, कंट्रोल ए, पहले इन्हें सबको मिड में कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और इनका साइज केवल नीचे लिखे हुए होगा, हम साइज कर लेते हैं दोस्तों बड़ा, ठीक है, और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल, है ना, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे सम, इन सब का टोटल वहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो दिसंबर दिसंबर है हमारा, ठीक है, सबका आ गया यहाँ तक। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला सम इफ, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों सम इफ का, ठीक है, यहाँ लिखा हमने सम इफ, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगना है सम इफ का, तो इसके लिए कैसे लगाएंगे दोस्तों, इक्वल सम इफ, ठीक है दोस्तों, सम इफ कर लिया हमने। अब जितना भी हमने ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आइटम लिखा हुआ है दोस्तों, जो भी हमने ये आइटम लिखा हुआ है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया दोस्तों हमने, सेलेक्ट करने के बाद हम कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमे में किसी भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे, जैसे मुझे देखना है कीबोर्ड, और इन्वर्टेड कोमे में मैंने इसको क्लोज कर दिया दोस्तों, ठीक है, अब कोमा करेंगे और टोटल वाली कॉलम को हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है दोस्तों, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन एंटर। यहाँ पे मेरा जो ये टोटल आया है सम इफ निकल के आया है, ये केवल कीबोर्ड का सारा टोटल आया है दोस्तों, आपको इसमें छांटना नहीं पड़ा, टोटल में क्या है, हमने यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगाया सम और देन एंटर किया, यहाँ पे इसने इसको रिजल्ट दे दिया यहाँ दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया सम इफ का, तो इसने पूरी शीट में केवल जो यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, वो केवल दिया है कीबोर्ड का, ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी हम इसमें कलर भी करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये, ठीक है दोस्तों, ये रहा, इसको यहाँ से और यहाँ इसको वाइट, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लिया और यहाँ पे ले लेते हैं हम रेड और येलो, यहाँ पर इसको ले लिया हमने ग्रीन, से कलर ले लो कोई दूसरा, और इस पट्टी को भी हम कर लेते हैं येलो और इसको करते हैं रेड, यहाँ से इनका फॉन्ट चेंज और यहाँ से थोड़ा इनका साइज, ठीक है दोस्तों,
से वाइट कर लेते हैं, अगर वाइट अच्छा लगता है तो। वाइट अच्छा लग रहा है, बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।